फिर साइबर फ्रॉड के जाल में फंसकर आत्महत्या कर ली भोपाल के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा जी और उनकी पूरी फैमिली, उनकी दो बच्चे और बीवी। दिमाग में कितनी ज्यादा प्रेशर रहने पे अपने माता पिता अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला देती है। उसके बाद उन्होंने खुद ने अपने फांसी का फंदा लटककर दोनों ही तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ये जो विश्वकर्मा जी की स्टोरी है मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को इमोशनल करने के लिए, नहीं ये आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझना चाहिए। कोई आप भी ऑनलाइन से कोई पैसा वैसा आप लोग लोन वगैरह लेते हो तो आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए कि आपका जो लोन ले रहे हो वो आपका फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और ये जो फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। और ये फ्रॉड को सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फ्रॉड जो फ्रॉड लोग हैं जो स्कैमर वगैरह हैं ऑनलाइन में वो ये फ्रॉड करते कैसे है। सबसे पहले ये शुरुआत होती कैसी है, आप लोगों के मोबाइल में एक मैसेज, आप लोगों का व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है कि आप लोग दिन में 2 घंटा काम करके 2000 रुपए कमाना चाहते हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। तो आप लोग ये लोग मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलते हैं, तो व्हाट्सएप में किसी हैकर को ट्रेस करना बहुत ईजी होता है, इसलिए उन लोगों को टेलीग्राम को में ग्रुप ज्वाइन के लिए बोलता है। मतलब कि टेलीग्राम में इतना आसान काम नहीं है किसी भी हैकर को ढूंढना, इसीलिए वो लोग बोलते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को एक ऐप का लिंक दिया जाएगा, उधर ऐप का लिंक देते हैं आप लोगों को बोला जाएगा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, अपने डिवाइस आप लोगों को लोकेट करती है कि ये अननोन को आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे गूगल वगैरह से डाउनलोड करने भी ऐसा दिखाता है, लेकिन वो ऐप भी डाउनलोड करने के टाइम पे यही दिखाएगा। आप लोग ऐसे डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल भी कर लोगे, सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उधर टास्क दिखाएगा। उधर टास्क क्या होगा कि आप लोग फेसबुक में सोशल मीडिया या यूट्यूब में वीडियो देखो, लाइक करो, आप लोग को पैसा मिल जाएगा और आप लोग को पैसा बन भी जाएगा। ऐसे 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप लोग को पैसा मिल भी जाएगा 2000 रुपए करके हर दिन का। आप लोग इजी टास्क कंप्लीट करते गए उसके बाद आप लोगों को 2000 रुपए करके मिल भी जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे और ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा उधर। तो आप लोगों को क्या कर लिया, उसके बाद आप लोग विथड्रॉ भी कर लिया, ठीक है, ऐसा 15 दिन करके विथड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप लोगों को आएगा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, उधर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का वो ऐप में दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा कि आप लोगों को 5000 रुपए आप लोग ऐसे ऐड करोगे, मतलब कि उसमें इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने के बाद आप लोगों को 12 घंटे के अंदर आप लोगों को 10000 रुपए हो जाएगा, आपका जो डबल हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्या करते हो भाई, करके देखते हैं 5000 का अमाउंट है, क्या रहता है, इससे ही इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने इससे ही कमाया तो 5000 रुपए दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, 10000 में कन्वर्ट हो गया 12 घंटे के अंदर, ये भी हो जाएगा। उसके बाद उसको विथड्रॉ भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर से बोलेगा 5000 रुपए ऐड करोगे आपको 20 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर इसका 75000 हो जाएगा। आप क्या करोगे भाई, ये तो मुझे भी दे रहा था तो क्या करे, दे देते हैं। तो सिंपली आप लोग उसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद फिर से आप लोगों को वो क्या करते हैं, वो 75000 भी दे देते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को बोलेगा कि और थोड़ा आप लोग, हम लोग लालच में, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं तो दिमाग कुछ भी, दिमाग हमारे हाथ में नहीं है, दिल पे भी नहीं रहता, दिमाग पे भी नहीं रहता, इधर रहता है अपने घुटनियों में। तो क्या बताऊं, आप लोग कर दिए, उसके बाद बोल रहे हैं 1 लाख रुपए दे दो, उसके बाद डबल होके 2 लाख रुपए आप लोगों का अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग 1 लाख रुपए डाल दिए, उसके बाद हो जाएगा आपके साथ पूरा स्कैम। क्या होगा, आप लोग 1 लाख रुपए तो नहीं ले सकते, लेकिन आप लोगों को इधर बोलेगा आपका क्रेडिट स्कोर लो हो चुका है, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्या बोलेगा, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अमाउंट आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप लोग विथड्रॉ कर सकते हो। आप लालच में आके बोलोगे हाँ मुझे तो दे दिया 75000 रुपए दे रहे हैं, क्यों नहीं देगा मुझे 10 लाख रुपए। आप लोग को बोलेगा हम लोग एक लोन ऐप का आप लोगों को एक लिंक भेज रहे हैं, उधर से आप लोन ले लीजिए। उसमें आप लोगों को क्या करेगा, आप लोगों को एक लोन दिलवा देगा एक चाइनीज ऐप से जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, वो भी एक फ्रॉड ही है। मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो वो क्या करेगा, आपका जो मतलब कि जो आप लोग इधर जो लोन लेते हो ना 10 लाख रुपए, उधर से लोन ले लिया, लोन लेके इधर फिर से डाल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर से आप लोग को विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद होगा आपका असली जादू, वो तो चला गया, लेकिन जिससे आप लोन लिया जिस ऐप से, उस
जो ऐप है वो आप लोग इंस्टॉल करने के टाइम पे आप लोगों के मोबाइल में या कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल करके आपकी हर एक फोटो हर एक वीडियो सब कुछ ले लेता है। उसके बाद वो ऐप वो तो कुछ भी नहीं जानता, उस पर आप 10 लाख लोन लिया, 10 लाख का 2-3-4 दिन में आप लोगों को 10 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो लोन आप लोगों को देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपका जो फ्रेंड वगैरह का फोटो या किसी का भी फोटो हो आपके, आप लोगों को उसको अश्लील तरीके से उसको फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया के अकाउंट वगैरह में पोस्ट करने का धमकी दिया जाएगा, और आप लोगों को जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में कॉन्टेक्ट वगैरह रहेगा उनको भी कॉल करके उनको भी ऐसे मतलब की धमकियां दी जाएगी। तो बहुत ज्यादा मैं क्या बताऊं, लोग समझते नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके लिए हमारा परिवार भी जमींदार हो सकता है, उनको भी सजा मिल सकता है। मैं क्या कर रहा हूं ये थोड़ा संभल के करो, थोड़ा ज्यादा पैसे के लालच में आकर जल्दी पैसे बनाने के लालच में आकर आप लोग ऐसा कुछ भी मत करो, आपका फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम आए तो थोड़ा संभल के। अभी पूरा जमाना डिजिटल हो चुका है, स्कैमर भी बढ़ गया है, अगर आप लोग के साथ भी गलती से ये फ्रॉड हो जाए तो आप लोग जल्दबाजी में आकर कोई गलती मत करो। आप लोग तो आप लोग क्या करो, आप लोग सबसे पहले अपने लोकल पुलिस स्टेशन में आप लोगों को एक डायरी कर देना है, उसके बाद आप लोगों को जाके आप लोगों को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने किया था ऐसा ऐसा, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोग जल्दबाजी में कोई हड़बड़ी मत करो, आप लोगों को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाके जो भी है उन लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताओ और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। और ये जो विश्वकर्मा जी के साथ हुआ था ये मेरे साथ भी हो सकता था, मेरा प्रूफ भी ये देखो इधर आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी मुझे व्हाट्सएप में यही मैसेज आया था, मैं अगर क्लिक करता या इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करता तो मैं भी आज गया होता ऐसे फांसी में लटक के मैं भी चला जाता।